अब अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको बिना वजह थप्पड़ मार देता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो नया कानून आ चुका है, आप अपना अधिकार जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो जब पुलिस ऑफिसर आपसे बदतमीजी करना स्टार्ट करता है तभी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देना है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं तो अपने फ्रेंड को वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए बोल सकते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है, ना कि हमारे साथ मारपीट करने के लिए होती है। और बेटर रहेगा कि आप अपने सोशल मीडिया पर इसे लाइव करें, ताकि अगर पुलिस ऑफिसर आपका फोन छीनने की कोशिश करता है तो आप इस वीडियो को उसमें सेव कर सकते हैं और ये एक एविडेंस बन सकता है। इसके बाद आपको इसमें FIR रजिस्टर करवानी है। पहले मारपीट के लिए सेक्शन 323 इंडियन पिनल कोड के अंदर FIR रजिस्टर होती थी, लेकिन अब नया कानून आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, इसके 115 के अंदर आप ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें 1 साल की जेल ऐसे पुलिस ऑफिसर को आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको पब्लिक प्लेस पे उसे थप्पड़ मारा है या फिर आपके साथ बदतमीजी की है, आपकी बेइज्जती हुई है, तो इसमें आप सेक्शन 356 भारतीय न्याय संहिता के अंदर FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें ऐसे पुलिस ऑफिसर को 2 साल की जेल भी हो सकती है। अगर पुलिस इसमें FIR रजिस्टर नहीं करती है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नया कानून आ चुका है। BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS के अंदर आप एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएं, कोर्ट तुरंत इसमें इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देगा और ऐसे पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड भी करेगा और इसके खिलाफ FIR भी रजिस्टर जरूर होगी और ऐसे आप ऐसे पुलिस ऑफिसर को सजा भी दिलवा सकते हैं।